वापिस से हम लोग बुलाएंगे हमारे स्पीकर को जो कॉमन सेंस से फाइनेंशियल फ्रीडम स्टेज में पहुंच गए, जो कॉमन सेंस से अपना जॉब जो गवर्नमेंट का जॉब था वो भी छोड़ चुके हैं, अपनी मर्जी से लाइफ जी रहे, अपनी मर्जी से उठ रहे हैं, अपनी मर्जी से जो काम करना है वो कर रहे हैं। तो ऐसे स्पीकर को हम लोग सुनेंगे और सीखेंगे कि कैसे उन्होंने क्या किया और हम लोग क्या कॉमन सेंस से कर सकते हैं। तो बुलाते हैं कॉमन सेंस से जिन्होंने अपना बिजनेस इंडिया में और देश विदेश में फैलाया है, ऐसे शानदार जानदार कपल उन्नी जी एंड सुनीता मैम ऑन डिजिटल स्क्रीन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कॉमन सेंस का बिजनेस है ना, ये टॉपिक आपने चूज किया इसका मतलब ये है कॉमन सेंस कॉमन नहीं है ना। तो हम लोग हमेशा ये टॉपिक ऊपर, मैंने मुझे जब ये बिजनेस दिखाया गया, प्रोडक्ट दिखाया गया सुरेश पिल्ले प्रकाशनी, तो उन्होंने हमको ये बिजनेस का प्रोडक्ट के बारे में बात किया था। मैंने प्रोडक्ट उसी टाइम में मैं जब ज्वाइन किया तभी 7-8 प्रोडक्ट था, मेजर प्रोडक्ट होम केयर पर्सनल केयर प्रोडक्ट थे। तो उसी टाइम में वो सब प्रोडक्ट अपने घर पे यूज होते थे। तो कभी भी कोई भी चीज घर पे लेके आते हो तो सबसे पहले प्रोडक्ट को ऊपर प्राइस वगैरह कौन देखता है, घर वाली देखता है। एंड दोबारा हमको दोबारा परचेज करने के लिए परमिशन भी वहां होगा, तभी तो काम होगा, रिपीटेड होगा ना। तो मेरा कॉमन सेंस यही बताया था ये बिजनेस करने का रीजन सुनिधा को हो तो बिजनेस बड़ा हो जाएगा, तो उनको मैं यूज करने दिया है। तो हम पहले सुनिधा से सुनेंगे उसका कॉमन सेंस क्या था बिजनेस करने के लिए। ये सुनिधा थैंक यू। एक्चुअली सही बताया, जैसे हमारे घर में पहले एक किट आया करता था, तो जैसे हमारे घर में किट आया तो मैंने खोला और उसमें कुछ होम केयर और पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स थे। तो जैसे मैं वर्किंग लेडी थी तो टाइम का हमेशा मेरे पास कमी रहती थी मॉर्निंग आवर्स में, तो मॉर्निंग आवर्स में बहुत रश में मैं चलती थी। तो बच्चे तभी बहुत छोटे थे और उनका स्कूल यूनिफॉर्म धोना, घर के कामकाज करना, घर क्लीनिंग करना, ये सब मेरे लिए एक टास्क हुआ करता था। और टास्क इसीलिए क्योंकि जल्दी से मुझे काम निपटाना था और ऑफिस जाना था, तो मैं जो प्रोडक्ट्स यूज करती थी तो तभी कभी ऐसे सोचा ही नहीं था कि इससे भी अच्छा प्रोडक्ट हम लोग यूज कर पाएंगे या मार्केट में क्या अवेलेबल है, वो सब नहीं पता था। एंड हम लोग कॉमन लोग हैं तो हम लोग जैसे जो यूज करते थे, जैसे अभी मैं आपको बताऊं कि एड देख के हम कोई कोई प्रोडक्ट्स हम लोग लेके आते थे, जैसे टीवी में एड आता था और हम लेके आते थे, इस तरह से हम प्रोडक्ट बदलते थे। लेकिन प्रोडक्ट के अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स है, वो क्या फायदा देता है हमारे क्या बोलते हैं वैल्यू फॉर मनी क्या है, ये सब मुझे नहीं पता था और हम लोग ऐसे चेंज करते रहते थे। और जब भी हमने ये बिजनेस ज्वाइन किया तभी हमने ये किट देखा तो उसमें ऐसे प्रोडक्ट्स देखे कि जो कॉन्सेंट्रेटेड, जो मैंने पहले भी बताया आप लोगों को कि होम केयर प्रोडक्ट्स बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड थे, लेकिन उसमें नाप किस तरह से लेना वो सब नहीं पता था। और हम लोग अपने हिसाब से मैं यूज करने लगी थी क्योंकि तभी ट्रेनिंग या हमारे अपलाइन भी हमारे साथ ही ज्वाइन हुए थे तो उनको भी उतना नॉलेज नहीं था। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, आजकल आप लोगों को सही तरीके से ट्रेनिंग मिलता है और आपको प्राइस कंपैरिजन आपको मिलता है, प्लस आप अगर एक एनवायरनमेंट को हेल्प करने वाले इच्छा के इंसान है तो आपको ये प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा क्योंकि आप एवरी डे आप कुछ ना कुछ एनवायरनमेंट को हेल्प करते हैं। जैसे हमारे प्रोडक्ट कभी कोई एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं करता है, तो यू प्ले अ गुड रोल कि हम लोग हमारे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए हम लोग ये प्रोडक्ट का इस्तेमाल बहुत दिल से अभी करते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि मेरे को एक टास्क हुआ करता था क्लीनिंग का, तो मुझे शुरुआत में मुझे एसेट मुझे बहुत पसंद आया था क्योंकि मेरे बच्चों का यूनिफॉर्म मैंने जैसे मैं पहले धोती थी और ऐसे से धोने लगी तो मुझे बहुत फर्क लगने लगा। तो कॉमन सेंस का बात है कि मैंने यूज करना शुरू किया, जो मेरे घर में जो प्रोडक्ट ऑलरेडी था
उसको मैंने साइड रखा और मैं ये प्रोडक्ट में मैं स्विच ओवर हो गई। तो मेरे को ऐसे ज्यादा वक्त नहीं लगा स्विच ओवर होने में, क्योंकि मुझे उसका रिजल्ट दिखने लगा। और जैसे भी लेडी है तो किचन क्लीन करना ये सब, तो हमारा जूम भी मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि स्प्रे करना है और वाइप ऑफ कर देना है, तो ये भी एक मुझे, क्योंकि उसके जो बॉटल में जो इंस्ट्रक्शंस लिखे थे वो देख के मैं यूज करती थी, और वो भी मुझे बहुत पसंद आया कि डाइल्यूशन करके भी ये प्रोडक्ट इतना अच्छी तरह हम लोग यूज कर सकते हैं और इतना अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। तो जूम से भी, जूम का भी मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, LOC का बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। ये सब चीजें हैं जो मेरे को बहुत ही भा गई कि नहीं ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, है ना। और जैसे अभी कॉमन सेंस की बात है कि अगर हमको कोई चीज पसंद आती है तो मैं ऑफिस में जाके शेयर करने लगी लेडीज को, तो कोई लोग ने हाँ बोला कि नहीं नहीं हम लोग भी देख लेते हैं। और तभी क्या एक वो था कि हम लोगों के पास छोटे पैकिंग नहीं आते थे, लेकिन आजकल तो देखो हर चीज का छोटा पैकिंग है, LOC का छोटा पैकिंग है, सेट का छोटा पैकिंग है, डिश ड्रॉप का छोटा पैकिंग है। तो आप किसी को भी एक सैंपल के तौर पे आप दे सकते हैं और फ्यूचर में वो आपके 1 लीटर पैक ले सकते हैं। तो ऐसा मेरा एक एक्सपीरियंस मैं आपको बताती हूँ कि मेरी ऑफिस में एक लेडी है, मेरे बाजू में बैठती थी, वो मुझे बोलती थी कि नहीं तेरा ये एसेट क्या कमाल करता है, मुझे देखना है कि मेरे ड्रेस में एक ग्रीस का दाग लगा हुआ है, वो मैंने ड्राई वॉश भी किया है और नहीं जा रहा है, तो देखती हूँ तेरे एसेट में क्या कमाल है। तो मैं भी डरते, शुरुआत में ऐसा होता है हमको डर लगता है कि नहीं ये गया कि नहीं गया ऐसे, तो मैं लेके आई और जैसे मैंने उसमें थोड़ा ऐसे ही डाल के रखा, और बिलीव मी नेक्स्ट डे मेरा भी ऐसे मन ऐसे धक धक करता था कि ये जाएगा कि नहीं, लेकिन नेक्स्ट डे वो ग्रीस का दाग इस तरह से फैल गया कि एक ही वॉश में वो निकल गया। तो वो मेरे लिए बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था, और वो एक्सपीरियंस को लेके वो मेरी एक फ्रेंड है जो बहुत ही पैशनेटली एसेट यूज करती है, अभी उसके एक्सटेंडेड फैमिली को भी वो एसेट देती है। तो इस तरह से अगर आप अपने प्रोडक्ट का क्या बोलते हैं कॉन्फिडेंटली अगर आप फेस करते हो यूज करने का, किस तरह से उसका रिजल्ट आता है, किसी को दिखाते हो जैसे डेमोन्स्ट्रेशन किसी को दिखाते हो, तो आपका ये प्रोडक्ट आपको शेयर करने में भी ईजी हो जाएगा। और दूसरा क्या है कि ये प्रोडक्ट यूज करते करते आपको अर्न करने का अपॉर्चुनिटी है ना। जैसे मैं वर्किंग थी तो ऐसे नहीं था, हम लोग गवर्नमेंट जॉब में थे तो अर्न तो करते थे, लेकिन घर पे जो प्रोडक्ट हम, जैसे अभी आपने प्लान में भी देखा कि आप जो अर्न करते हो वो आप मार्केट में जाके खरीदी करते हो, और उस तरह से आपको क्या बोलते हैं आप पैसा देके प्रोडक्ट लेके आते हो, लेकिन ये प्रोडक्ट का जो क्या बोलते हैं वैल्यू फॉर मनी बोलो, EEE बेस्ड बोलो, जो इफेक्टिवनेस है, जो इकोनॉमिक है, जो इको फ्रेंडली है, वो सब अगर आप देखोगे तो आप ये प्रोडक्ट का कंपैरिजन है ही नहीं, है ना। मार्केट में और कोई भी प्रोडक्ट इतना अच्छा नहीं है, है ना, वो मैं आपको बता सकती हूँ। और यू कैन अर्न मनी, और यही बात आप और लेडीज को भी सिखा सकते हो कि आप अगर घर के प्रोडक्ट्स बदल के आप अर्न करना चाहते हो तो आप घर बैठ के आपके जॉब को डिस्टर्ब नहीं करना है, आपके आपके टाइम को डिस्टर्ब नहीं करना है, है ना। हमको खाली जो प्रोडक्ट यूज करना है वो चेंज करना है, पॉइंट ऑफ परचेज चेंज करना है। अगर आप इस तरह से अर्न कर सकते हो तो इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, ये हम आराम से किसी को शेयर कर सकते हैं, और ये कॉमन सेंस की बात है ना। और इस तरह से जैसे अभी मैंने बताया, लेडीज को हमको सिखाना है किस तरह से वो प्रोडक्ट यूज करना है, किस तरह से लोगों को ये बताना है। अगर ये दो चीजें अगर कोई लेडी सीख गई तो वो ये बिजनेस आराम से कर सकते हैं। और दूसरा कि अगर हम लोग, जैसे अभी मैं जॉब करती थी और जॉब में उतना रिकग्निशन नहीं है, क्योंकि हम जो काम करते हैं कोई और उसका क्रेडिट लेके जाता है, लेकिन ये प्लेटफॉर्म में आपको रिकग्निशन भी है। अगर आप कुछ, जैसे अभी आपने देखा बहुत सारे लेवल्स को देखा, 3% से लेके डायमंड तक के, तो वो जो रिकग्निशन पार्ट है वो मुझे पसंद आया था, क्योंकि हम हस्बैंड वाइफ दोनों रिकग्नाइज होते थे, क्योंकि मैं अगर मेरे जॉब में होती थी तो मेरे ऑफिस में मैं अकेली रिकग्नाइज कभी कभी होती थी, और उन्हीं अपने ऑफिस में होते थे, लेकिन ये प्लेटफॉर्म में हम दोनों मिलके
रिकग्नाइज हो रहे हैं वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा था और वो मुझे अट्रैक्ट किया था और यही मैंने मेरे ग्रुप में भी सिखाया लेडीज को। और दूसरा है कि यहाँ हम दूसरे लेडी को हम एम्पावर कर सकते हैं, है ना, चाहे वो वर्किंग वुमन हो, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हो। अभी हम आपने हमारे सेटिस्फाइड कस्टमर्स में देखा, हमारी बिटिया भी थी, तो हर किसी को आप एम्पावर कर सकते हो, है ना। आप अगर जो करते हो वो शायद, मुझे मैंने ऐसे पढ़ा है कहीं कि आप जो करते हो वो जल्दी से डुप्लीकेट होता है, आप जो बोलते हो वो डुप्लीकेट नहीं होता है ना, जो आप करोगे वो जल्दी से डुप्लीकेट होगा। तो इस तरह से हम विमेन एम्पावर भी कर सकते हैं और ड्रीम्स हमारे फुलफिल कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कार वॉश से हमने हमारा स्कूटर साफ किया और तभी हमने ऐसे सेकंड थॉट नहीं दिया था और कार आ गया, तो ये बिजनेस से हमने छोटे छोटे ड्रीम्स हमारे पूरे किए हैं। एंड दूसरा, हम लोग ऑनलाइन हम लोग बिजनेस कर सकते हैं, जैसे वी आर ब्लेस्ड कि अभी न्यूज़पेपर में बहुत ही आर्टिकल्स आते हैं कि जैसे बहुत ऑनलाइन बिजनेसेस होते हैं, तो हमारा तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट बिजनेस है ना। हमारे मोबाइल फोन और एक अच्छा नेटवर्क कनेक्शन हो तो हम कहीं पे भी हमारा बिजनेस कर सकते हैं। जैसे स्किन केयर प्रोडक्ट्स हम लोगों का जो मार्केट है, हेल्थ केयर का जो मार्केट है, जो बूमिंग मार्केट है, उसमें हम लोगों को ट्रेनिंग लेना है, हम लोग यूज करना है, टेस्टिमोनियल्स होंगे तो आपका प्रोडक्ट भी जाएगा, आपका नेटवर्क भी बढ़ेगा और स्काई इज द लिमिट। और मैं समझती हूँ कि ये बिजनेस करने का एक कॉमन सेंस का डिसीजन है, हर लोग ये डिसीजन लेके ये बिजनेस को बहुत आगे तक बढ़ाइए। थैंक यू वेरी मच, हियर इज ओनली। थैंक यू सर, कॉमन सेंस हमेशा आपको सपोर्ट देंगे। तो हमारा पास 130 करोड़ का पॉपुलेशन है, तो कॉमन पीपल ज्यादा है, तो ये बिजनेस कॉमन पीपल का बात सामने जाना तो कॉमन सेंस ही काम करेंगे, है ना। कभी आप सोचोगे आप में से कितना लोगों को मच्छर ने काटा है? सबको काटा होगा। कितना लोगों को हाथी ने काटा है? बहुत कम लोग। तो छोटा छोटा चीज से बहुत ज्यादा काम करेंगे। तो कॉमन सेंस का बात इसलिए है क्योंकि जो प्रोडक्ट है यूज करना है कम अपने घर पे होता है, तो घर पे यूज करेगा तो लोगों से बात करना है, अच्छा लगता है लोगों से, क्यों बात करें, पैसा मिलता है। तो इधर आपको माइंडसेट को लेके आना, बिजनेस माइंडसेट, एंड ये बिजनेस को आपको डेवलप करना है, जॉब और बिजनेस प्रोफेशन को छोड़ के बिजनेस माइंडसेट को लेके आना। ये एसोसिएशन से मिलता है ना, ये लोगों से, ये जो इस तरीके से मीटिंग में आते आते हैं, हम अपना सोच को बदल गया, बिजनेस माइंडसेट में कन्वर्ट कर दिया, अलग अलग किताबें पढ़ के हमको माइंडसेट चेंज हो गया, है ना। ये कॉमन सेंस का बात है, समझना। सक्सेसफुल लोगों क्या करते हैं उसको फॉलो करना। तो मैं बिजनेस में आने के बाद ये बिजनेस में सक्सेसफुल लोग कौन कौन है वो देखा। तो हमने जो पहले जो बात की इस तरीके से, डॉक्टर्स, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, IAS, IPS, सिटी बैंक वाइस प्रेसिडेंट, अमेरिकन प्रेसिडेंट का फाइनेंस एडवाइजर, है ना, ITI फिटर, इलेक्ट्रीशियन, अलग अलग तरीके से लोगों को, सक्सेसफुल लोगों को देखा। तो हमने एक कॉमन सेंस है, अगर हमसे बड़े लोग ये बिजनेस करता है, हमसे छोटे लोग करता है, तो हम कर सकता है। अब इधर कौन सा रॉकेट टेक्नोलॉजी चाहिए, है ना। तो हमने वही सोचा, अगर इनका सैंडविच है ना, हम बीच में बैठना है, नीचे वाले भी करते, ऊपर वाले भी करते, बीच वाले का ऐसे का हो जाएगा। तो हमने ये बिजनेस को अपनाया। फिर हमने सोचा ये बिजनेस करने के लिए क्या उसको तरीका सीखना तो पड़ेगा। तो आपको सीखने के लिए आपके साथ में टीम है, आपका जो स्पॉन्सर है, आप स्पॉन्सर के साथ में जो टीम है, वो टीम हमेशा आपको सक्सेस के लिए बार बार आपको मदद करने के तैयार है। आप देखोगे अगर बिजनेस में हो तो आपको कहीं ना कहीं हर बार किसी न किसी का कॉल आया होगा, अब क्या कर रहे हो, अभी क्या कर रहे हो, आपका ग्रोथ कहाँ है, आपका ग्रोथ के लिए कोई चिंतित है। अगर ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी जहां आपको फ्री में गाइडेंस मिलता है, मेंटरशिप मिलता है। अभी हर चीज जो फ्री में मिलता है ना, हम हमेशा डाउट करते हैं, इधर कॉमन सेंस हमेशा थोड़ा सा क्वेश्चन में आ जाता है। तो हमको इस कॉमन सेंस से ही सोचने का, जो फ्री में हो फिर भी कोई मदद करता है वो मेरा फायदा के लिए है, तो मुझे अपनाना चाहिए। तो सिंपल डिसीजन हमको लेने, बड़े बड़े चीजें, सिचुएशन अवेयरनेस के बारे में बात किया था पॉइंट में, टॉपिक में लिखा है। तो आपने देखा सिचुएशन, अभी पैंडेमिक आया पिछले 2 साल में, है ना, पैंडेमिक आया, पूरा दुनिया खड़ा हो गया था, लोगों का नौकरी चले गया, लोगों के पास इनकम आता नहीं है, सैलरी रिड्यूस हो गया, है ना, जॉब सिक्योर्ड जॉब मार्केट में है नहीं है, तो एक सिचुएशन है। तो ये बिजनेस कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, फ्री में हर कोई व्यक्ति, 18 ईयर्स को ऊपर होगा, हर कोई व्यक्ति अपना खुद का मेहनत करके अपना खुद का इनकम सोर्स डेवलप कर सकता है, इससे बड़ा क्या चाहिए।
कॉमन सेंस के अप्लाई कर सिचुएशन को आपको कॉमन सेंस को अप्लाई करके इसको डेवलप कर सकता है। आप अपने परिवार में अपने नेबर्स को पड़ोसी को कलीग को सबको ये अपॉर्चुनिटी दे सकता है। आप दिल से जब दोगे लोगों को पता चल जाएगा। आप देखोगे अभी अनएम्प्लॉयमेंट कितना बढ़ रहा है, कॉलेज में कितना पढ़े लिखे बच्चे हर साल में बाहर आ जाते हैं पर उसको कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है। आप देखो कितना रुपए 10,000, 5,000, 15,000, 20,000 में आज कई लोग काम कर रहे हैं पूरा 8-8, 10-10 घंटे। अगर आप इसको अपॉर्चुनिटी सिर्फ कॉमन सेंस का प्ले करोगे, उनको बोला आपने जो भी काम करे उसको डिस्टर्ब किया बिना शाम को 2-3 घंटे और एक्सटेंड करोगे, आप एक अच्छा सा इनकम कमा सकता है, मैं आपको मदद कर सकता हूँ। कॉमन सेंस का बात है, अगर उसको कॉमन सेंस प्रिवेल है तो अपने आएंगे, नहीं है तो घूमते रहेंगे। क्योंकि हमें जरूरी नहीं हर कोई व्यक्ति हमारे साथ में आए, हमें जरूरी है जिसको जरूरत है वो अपने साथ में आए ताकि उसको बार बार बोलना ना पड़े, वो अपने आप से करेगा, है ना। जो आदमी भूखा है उसको खाना मिलने से अपने आप से खा लेंगे, वो उसका क्वालिटी टेस्ट देखने नहीं आएगा पेट भरने के। भूखा नहीं है तो उसको राजभोग देगा तो भी खाएगा नहीं। तो आपको भूख है कि नहीं, अभी कभी कभी है ना भूख भी हमको पता नहीं चलता है ना, कभी कोई पूछे भूख लगता है तो आप सोचना पड़ता है भूख लगता है कि नहीं। ऐसा आप किसी को पूछो पैसा कमाना चाहते हो, वो देखेगा क्या है, क्या है, कौन क्या बोल रहा है, उसको पता नहीं मुझे पैसा की जरूरत है कि नहीं। वो नहीं सोचता मेरा गाड़ी किस तरीके से चलता है, इससे अच्छा गाड़ी मैं ले सकता हूँ, कॉमन सेंस है मैं ले सकता हूँ, कब ले सकता हूँ, अगर मेरा इनकम बढ़ेगा तो मैं, और मेरा घर में जो रहता हूँ उससे भी अच्छा घर में जा सकता हूँ, कब जा सकता है, मेरा इनकम बढ़ेगा तो मेरे परिवार को घूमने के लिए अलग अलग जगह पे लेके जा सकता हूँ, कब जा सकता हूँ, मेरा इनकम बढ़ेगा तो मेरे बच्चों को अच्छा पढ़ाई दे सकता हूँ, अच्छा जॉब कुछ भी कर सकता हूँ अगर मेरा इनकम बढ़ेगा तो। मगर वो उसको पता नहीं मुझे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, ये जब प्लान दिखाता है ये बिजनेस दिखाता है तभी सामने वाला पूछे आंसू छे, है ना, ये क्या है पूछ रहा है, क्योंकि उसको विश्वास नहीं है ऐसा कोई चीज दुनिया में बनता है, क्योंकि अभी तक उसको जिंदगी में कभी देखा नहीं है फॉरेक्स इस्तेमाल करके घर पे पैसा आते हुए। ये इट इज कॉल्ड एज प्रोज्यूमर पावर। इसलिए हम बोलते हैं आपको पढ़ना चाहिए, पढ़ना एक जरूरी है, क्योंकि जो चीज हमको जानकारी नहीं है उसको जानकारी अपनाने के लिए जगह है पढ़ना। इसलिए किताबें मैं रिकमेंड करता हूँ प्रोज्यूमर्स पावर, उसको लेके पढ़ो, आपका घर का अंदर ही आपका इतना सारा वेल्थ खड़ा है एंड आपको पता नहीं है, है ना। तो इसी तरीके से आपको देखे ना कभी बोलते एकर्स ऑफ डायमंड्स बोलते हैं ना, आपको जो जिस घर आप बेच के गया उस घर का अंदर ही डायमंड्स पड़ा था, आपको पता नहीं था। इसी तरीके से आपका घर में सालों से देखो आपका पेरेंट्स प्रोडक्ट यूज करते थे, उसका ग्रैंड पेरेंट्स प्रोडक्ट यूज करते थे, आप भी प्रोडक्ट यूज करते थे, अभी तक एक रुपया आया नहीं है। अभी आपको पड़ोसी आके आपको पूछता है आपको साबुन बदल दो पैसे आएंगे, आपका दिमाग में जाएगा कैसे, कॉमन सेंस अप्लाई होगा नहीं। इसलिए आपको मीटिंग देखना है, फैक्ट चेक करना है, ये सही है कि नहीं चेक करना है, चेक करने के बाद ट्राई करना है। कोई भी चीज अगर नया चीज आपको बताया जाता है और आपको पता नहीं है, सबसे पहले देखना उसको करने के रेडी होना, उसको सीखना पहले फिर ट्राई करना, और बन गया तो है? रिचर्ड ब्रांसन जो वर्जिन इंडस्ट्री का मालिक था उन्होंने ये बोला था, अगर आपको पता नहीं है उसको पहले करना है, सीखना है, फिर कोशिश करना है, फिर आपका जीवन में आ सकता है। अरे नहीं करोगे फिर आपको मिलेगा क्या, कौन सा अपॉर्चुनिटी है आपका घर पे एक्स्ट्रा पैसिव इनकम आने के लिए, सोचो ऐसा कौन सा अपॉर्चुनिटी है। आप अपना खुद का बिजनेस बना सकता है पार्ट टाइम में, ग्लोबल बिजनेस प्लेटफॉर्म, ऐसा कितना अपॉर्चुनिटी है आपका खुद ऐसा प्रोडक्ट पैटेंटेड प्रोडक्ट आप मार्केट कर सकते हैं ग्लोबल डिजिटली। अब ऐसा कितना बिजनेस आप जानते हैं जिसको 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी आपको है, आपको कभी टेंशन नहीं है प्रोडक्ट मार्केट करने में, ऐसा कितना अपॉर्चुनिटी आपके साथ में है। ऐसा कितना अपॉर्चुनिटी आप जानते हैं आपको फ्री में अनलिमिटेड ट्रेनिंग दिया जाता है डिजिटली, आपको ऐसा कितना अपॉर्चुनिटी आपके सामने आपको फ्री अनलिमिटेड एजुकेशन दिया जाता है, ऐसा कितना अपॉर्चुनिटी है आपके पास, आप लोगों को अपने नेटवर्क में फ्री में एनरोल कर सकता है, उसको बिजनेस कमाने के लिए अपॉर्चुनिटी दे सकता है, कहीं भी नहीं। इट्स अ कॉमन सेंस। अगर इतना बड़ा कंपनी 65 ईयर्स ओल्ड कंपनी 70,000 करोड़ का टर्नओवर करने वाला कंपनी 700+ पैटेंट्स करने वाला कंपनी हजारों लोगों को लाखों लोगों को जिंदगी ग्लोबली चेंज किया हुआ कंपनी 24 साल से भारत में 100, 200, 300+ डायमंड्स को क्रिएट किया हुआ कंपनी इतना सारा फाउंडर्स फाउंडर प्लैटिनम्स को क्रिएट किया हुआ कंपनी
2000 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर किया हुआ कंपनी आपको फ्री में बिजनेस करने के लिए अपॉर्चुनिटी देता है, आपका कॉमन सेंस क्या कहते हैं? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इट्स योर ओन डिसीजन. इट्स अ सिंपल बिजनेस. इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू बिल्ड, प्रोवाइडेड इफ यू आर ओपन माइंडेड, इफ यू आर रेडी टू लर्न. इफ यू आर रेडी टू लर्न, देयर इज टीचर इज ऑलवेज अवेलेबल टू गाइड यू एंड हेल्प यू टू ग्रो यूर ओन बिजनेस. ये सिंपल कंसेप्ट है, इतना सारा हमको बोलने की जरूरत नहीं. इसके सिवाय ऐसा कितना लो पड़ोसी आपका घर पे आके बताया, आपको पैसा कमाने के लिए मैं मदद कर सकता हूँ. मेरा फ्रेंड है बद्रीश भाई, इधर बैठा है सामने, बड़ौदा में बड़ा बिजनेस का, प्लाईवुड का बिजनेस का व्यापारी है. क्या वो मुझे चांस दोगे इसको बगल में प्लाईवुड का बिजनेस करने के लिए, सिखाओगे? नहीं है, मेरा फ्रेंड है, फिर भी नहीं करेंगे. ये एकमात्र बिजनेस है बद्रीश भाई, उसका नेम पड़ोस का दुकान में जाके बोलता है मैं तुमको पैसा कमाने के हेल्प कर सकता हूँ. That is only MBA business. Yes, so simple yes, business, yes. Common sense का business है. Just आपको जिन्होंने बुलाया उसके साथ में बैठो, आप सोचो ये business में बहुत सारी चीजें, बात करें तो सुबह तक बात हो जाएगा. मगर एक कम छोटा सा चीज में आप decide कर सकता है. उन्नी और सुनीता अपने जॉब का साथ में पार्ट टाइम में अपने घर का पड़ चेंज करके लोगों को शेयर करते हुए अपना स्कूटर में से गाड़ी में जा सकता है, अपना फ्लैट में से बंगलों में जा सकता है, घूमने की जगह डेस्टिनेशन स्विट्जरलैंड, पेरिस, ऑस्ट्रेलिया बना सकता है. आप भी कर सकते हैं. कम एंड जॉइन अस. थैंक यू. बैक टू माय होस्ट. क्या बात है, क्या बात है, सुपर. बिल्कुल, बहुत सारी चीजें आपने बता दी और बहुत सारे ब्लॉकेज जो इस वीडियो को बाद में देखने वाले उनके लिए आपने ब्लॉकेज खोल दिए हैं. सुनीता जी एंड ओमनी जी, आपने बहुत बेहतरीन बात किया. और सुनीता जी, आपकी वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी, ऐसे इड वाली, कि मैं कभी कभी सोचता हूं, लोग बोलते हैं हमारे जब कपड़ा धोते हैं तो पानी कहां जाता है, पैसा कहां जाता है? बोले गटर में जाता है, हमारे बैंक में आता है. कॉमन सेंस है ना? बिल्कुल यही कॉमन सेंस से लोग आज इस बिजनेस में पैसा बना रहे हैं. पॉइंट ऑफ परचेज बदलना है और क्या करना है, लोगों से शेयर करना है, वैसे भी तो करते हैं. और हमारा टाइम हम लोग जहां दे रहे हैं वो 2-3 घंटा किसी को लाइक देने के बदले यहां दीजिए. और दूसरी बात, जिस एफएमसीजी की बिजनेस को जो सर ने बताया, बहुत सारे लोग यानी जितने भी करोड़पति लोग हैं वो सारे टाटा बियाणी अंबानी बियाणी अगर साबुन बेच रहे, तो हमें और आपको कॉमन सेंस से क्या करना चाहिए? तो ये सारी बातें बहुत ही बेखबूज, बहुत अच्छी तरह से आपने क्लेरिफाई किया. और इतना समझ आ गया सर आपकी बात से कि अगर आपने प्रोडक्ट चेंज किया, शेयर किया, आप स्कूटर में से गाड़ी में चले गए, फ्लैट में से बंगलों में चले गए, तो यहां बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति कॉमन सेंस और सिचुएशनल अवेयरनेस लेके वो चाहे वो कर सकता है. पर बात एक ही है, डू आई वॉन्ट यू, मैं क्या चाहता हूं? अगर चाहते हो तो बहुत कुछ हो सकता है और उसके लिए डिसीजन लेना पड़ेगा. और जिसने आपको बुलाया है उसका आपके ऊपर ब्लेसिंग्स है, तो पहले उनको थैंक यू बोलिएगा, क्योंकि भगवान की मर्जी के बदल अगर पत्ता नहीं हिलता है तो आपको बुलाया है वो भी बहुत बड़ी बात है. तो चलिए अभी हम सब डिसीजन लेते हैं और अपने आप को बिल्कुल अमेजिंग. चलिए अभी आपने, हम समझते हैं आपने अपना कॉमन सेंस यूज कर लिया है, आपने डिसीजन ले लिया है, और अपने आप को आशीर्वाद दीजिए. पोजीशन ले लीजिए, अपने आप को आशीर्वाद दीजिए. शक्तिमान भव, शक्तिमान भव, शक्तिमान भव, शक्तिमान भव, ऊर्जावान भव, ऊर्जावान भव, ऊर्जावान भव, ऊर्जावान भव, ऊर्जावान भव, ऊर्जावान भव, विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव. थैंक यू एंड अगले हफ्ते मिलते हैं बड़े जोश और उत्साह के साथ, और कॉमन सेंस को बिल्कुल याद रखेंगे. सुनीता जी और उन्नी जी, थैंक यू.
गुड नाइट।